नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। माइसेल्फ डॉक्टर अनिल पटेल। आज हम लोग नर्वस सिस्टम के अंतर्गत सैक्रल प्लेक्सस के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि जानते हैं, सैक्रल प्लेक्सस जो कि हम लोग के इस नर्वस सिस्टम का लास्ट सैक्रल मतलब प्लेक्सस होता है, सैक्रल प्लेक्सस। तो देखते हैं सैक्रल प्लेक्सस क्या होता है। जैसा कि नाम है सैक्रल, अर्थात जो स्पाइनल नर्व के सैक्रल सेगमेंट से, स्पाइनल नर्व के सैक्रल सेगमेंट से जो नर्व एराइज होते हैं उनके थ्रू जो प्लेक्सस का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग सैक्रल प्लेक्सस कहते हैं। तो आइए देखते हैं सैक्रल प्लेक्सस में कौन कौन से नर्व रूट होते हैं और किस तरह से सैक्रल प्लेक्सस का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ देख रहे होंगे सैक्रल प्लेक्सस फॉर्म्ड आई, तो बना किसके थ्रू है, फॉर्म्ड आई वेंट्रल और एंटीरियर। वेंट्रल को हम लोग एंटीरियर भी बोलते हैं। सैक्रल प्लेक्सस फॉर्म बाई वेंट्रल और इंटीरियर प्राइमरी रमाई। आप प्राइमरी टर्म जोड़े या न जोड़े, आप बुक में दिया है वेंट्रल रमाई, तो देखेंगे फॉर्म बाई वेंट्रल रमाई और वेंट्रल प्राइमरी रमाई और इंटीरियर प्राइमरी रमाई ऑफ पार्ट ऑफ L4। मीन्स जो कह रहा है कि किसके थ्रू बना हुआ, पार्ट ऑफ L4 एंड होल ऑफ L5 S1 S2 S3 नर्व्स। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो सैक्रल प्लेक्सस के फॉर्मेशन में टोटल रूट कितने हैं, L4 है, L5 है, S1 है, S2 है, S3 है और S4 है। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ S4 का भी कंट्रीब्यूशन है, यहाँ S4 का भी कंट्रीब्यूशन है, S4। तो कह रहे मतलब कि जो लंबर प्लेक्सस का फॉर्म हो रहा है, इट इज फॉर्म बाय द वेंट्रल प्राइमरी रमाई ऑफ पार्ट ऑफ L4। पार्ट ऑफ L4 कहने का मतलब कि L4 के पूरे फाइबर नहीं आएंगे। L4 सबसे ऊपर अपर मोस्ट होता है, इसके पूरे फाइबर नहीं आएंगे, कुछ पार्ट आएंगे। तो पार्ट ऑफ L4 होल ऑफ L5 एंड उसके बाद सैक्रल के S1 S2 S3 S4, तो ये इस तरह से होल इन्वॉल्व होंगे और S4 के भी कुछ ही पार्ट रहेंगे, कुछ पार्ट नीचे चले जाएंगे। तो यहाँ कहने का मतलब टोटल कितने रूट हो गए, L4 L5 S1 S2 S3 R4, तो टोटल 6 रूट हो गए। फिर देखेंगे इफ यू मस्कुलर फाइबर, तो यहाँ की जो एक तरह से जो रीजन होता है सैक्रम रीजन, तो ये जो सैक्रम रीजन होता है, सैक्रम रीजन होता है, यहाँ पर क्या होता है कि इसके नीचे जो भी डिफरेंट चाहे बटक रीजन की मसल्स हो चाहे थाई की मसल्स होती, यहाँ पर लोअर पार्ट में पेल्विक रीजन में और थाई वाले रीजन को मांसपेशियों को और जो मस्कुलर ब्रांचेज होती है या कुटेनियस ब्रांचेज होती है उसको सप्लाई करती है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कि इफ यू मस्कुलर ब्रांचेज गिवन ऑफ रमाई, तो कुछ मस्कुलर ब्रांचेज इसको, ये ब्रांचेज कुछ मस्कुलर ब्रांचेज देती हैं और साथ ही साथ कुछ क्यूटेनियस ब्रांचेज भी होती है। देखेंगे वेंट्रल प्राइमरी रमाई जो होता है, ये जो वेंट्रल प्राइमरी रमाई या सिंपल वेंट्रल रमाई जो होता है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसके जो फाइबर होते हैं दो रूप में डिवाइड, तो हम लोगों ने इससे पहले भी बात किया था सैक्रल लंबर प्लेक्सस के केस में। तो लंबर प्लेक्सस में हम लोगों ने देखा था कि वेंट्रल ब्रांचेज देखा था और डॉर्सल ब्रांचेज भी बात किया था। तो वेंट्रल प्राइमरी रमाई या वेंट्रल रमाई जो होता है डिवाइड इनटू टू पार्ट या टू डिविजन्स हो जाएगा, वेंट्रल डिविजन या डॉर्सल डिविजन। तो इसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रल डिविजन VD और या DD, वेंट्रल डिविजन और डॉर्सल डिविजन। तो यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग ब्रांचेज फ्रॉम द वेंट्रल डिविजन, तो यहाँ पर जो वेंट्रल प्राइमरी रमाई होता है दो पार्ट में डिवाइड हो रहा था, वेंट्रल डिविजन और डॉर्सल डिविजन। तो सबसे पहले हम लोग जो वेंट्रल डिविजन की ब्रांचेज है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे सेकंड नंबर पर डॉर्सल डिविजन की ब्रांचेज होंगे उसको देखेंगे। तो वेंट्रल डिविजन में देखेंगे टोटल 6 नर्व हैं, तो एक एक करके देखेंगे। नर्व टू क्वाड्रेटस फीमोरिस, नर्व टू क्वाड्रेटस फीमोरिस है, इसका रूट वैल्यू है L4 L5 S1। दूसरा है नर्व टू ऑब्टुरेटर इंटरनस, तो दूसरा है नर्व टू ऑब्टुरेटर इंटरनस जिसकी रूट वैल्यू है L5 S1 S2। और तीसरे नंबर पे है पुडेंडल जिसकी नर्व वैल्यू है S2 S3 S4 होती है। और चौथे नंबर पे है परफोरेटिंग क्यूटेनियस नर्व जिसमें रूट वैल्यू होती है S3 S4। और पांचवे नंबर पे है टीबियल पार्ट ऑफ सियाटिक नर्व, तो ये सियाटिक नर्व दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक टीबियल पार्ट है और इसमें देखेंगे जो डॉर्सल में हो जाएगा एक कॉमन पिरोरियल पार्ट हो जाएगा। तो टीबियल पार्ट ऑफ सियाटिक नर्व जिसकी रूट वैल्यू होती है L4 L5 S1 S2 S3। उसके बाद देखेंगे पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई जिसकी रूट वैल्यू है S1 S2। तो ये जो ब्रांचेस थी एक तरह से इंटीरियर कंपार्टमेंट की थी या इंटीरियर वेंट्रल डिविजन्स की थी। तो जो कॉमन वेंट्रल प्राइमरी रमाई दो पार्ट में डिवाइड होता है, वेंट्रल डिविजन और डॉर्सल डिविजन, वेंट्रल डिविजन की ब्रांचेज 6 हो गई। डॉर्सल डिविजन की ब्रांचेज देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ देखेंगे डॉर्सल डिविजन के जो ब्रांचेज हो गई, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व हो जाएगी, इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व हो जाएगी, कॉमन पिरोनियल पार्ट ऑफ सियाटिक नर्व। तो सियाटिक नर्व जो होती है उसमें वेंट्रल ब्रांचेज भी होती हैं और
डॉर्सल ब्रांचेज भी होती है। तो आइए देखते हैं कि ड्रॉ कैसे करें। देखा जाए जब हम लोग ड्रा करते हैं तो इसका बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आता है, लेकिन हम लोग इसको एक बार में ही ड्रा करके इजी तरीके से एग्ज़ाम में या फिर अपने अंडरस्टैंडिंग को बनाएंगे और किस तरह से अगर एग्ज़ाम में आता है तो हम लोग उसको पढ़ लेंगे। तो यहाँ देख रहे होंगे कि सबसे पहले हम लोग किसको ड्रॉ करेंगे। सबसे आसान तरीका होता है कि सबसे पहले हम लोग उठाएंगे एक तरह से कॉमन पिरोनियल पार्ट ऑफ सियाटिक नर्व। तो सबसे पहले इसको ड्रॉ करेंगे तो हम लोग नंबर एक देते हैं, इसको देते हैं नंबर एक, कॉमन पिरोनियल पार्ट ऑफ सियाटिक नर्व। तो हम लोग सबसे पहले इसको ड्रॉ करेंगे। हम लोग यहाँ पर जो डॉर्सल डिवीज़न है उसको हम लोग ब्लू कलर से दिखाएंगे, जो डॉर्सल डिवीज़न की ब्रांचेज है उसको ब्लू कलर से दिखाएंगे, जो वेंट्रल डिवीज़न की ब्रांचेज है उसको हम लोग रेड कलर से दिखाएंगे। तो इसको हम लोग ध्यान देंगे कि डॉर्सल डिवीज़न को डॉर्सल जो होगा ब्लू होगा, तो इसको हम लोग डॉर्सल डिवीज़न की ब्रांचेज को हम लोग ब्लू कलर से दिखाएंगे और वेंट्रल को हम लोग क्या करेंगे रेड से दिखाएंगे, रेड कलर से। तो इसको रेड कलर से दिखाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि रेड वाला क्या है, वेंट्रल डिवीज़न की ब्रांचेज है और जो ब्लू कलर की जो लाइनिंग है या नर्व है वो डॉर्सल डिवीज़न की ब्रांचेज है। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं कॉमन पिरोनियल पार्ट ऑफ सियाटिक नर्व। इसके रूट वैल्यू को देखना है कि L4, L5, S1, S2। तो यहाँ पर देखेंगे L4, L5, S1, S2, S3, S4। तो जो हम लोग का बना हुआ पार्ट है सैक्रल प्लेक्सस में कितने रूट हैं, L4, L5, S1, S2, S3, S4। बट जो कॉमन पिरोनियल पार्ट ऑफ सियाटिक नर्व है उसकी रूट वैल्यू L4, L5, S1, S2 ही है। L4, L5, S1, S2 है। तो इसको हम लोग किस तरह से ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरह से ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये L4 की ब्रांचेज आ गई, उसके बाद देखेंगे L5 की ब्रांच किस तरह से आएगी। तो इस तरह से हम लोग देख रहे होंगे L5 की ब्रांचेज आ रही है। L5 की ब्रांचेज आ गई, फिर S1 की ब्रांच आनी है। S1 की ब्रांच आ गई, फिर S2 की ब्रांच देखेंगे, S2 लास्ट की ब्रांच है। तो ये हो गया आपका, देख रहे होंगे यहां पर हम लोग देखे कॉमन पिरोनियल पार्ट ऑफ सियाटिक नर्व। तो ये कौन सी नर्व बन गई, कॉमन पिरोनियल पार्ट ऑफ सियाटिक नर्व। तो ये बन गई आपकी कॉमन पिरोनियल पार्ट ऑफ सियाटिक नर्व, सियाटिक नर्व, कॉमन पिरोनियल पार्ट ऑफ सियाटिक नर्व, ये पार्ट हो गया। और फिर देखेंगे दूसरी, अब इसको ड्रा करेंगे तो यहाँ रेड कलर का है, तो यहाँ पर जो टिबियल पार्ट है सियाटिक नर्व का उसको ड्रा करेंगे। तो दूसरे नंबर पे हम लोग किसको ड्रा करेंगे, टिबियल पार्ट ऑफ सियाटिक नर्व, इसको दो नंबर दे देंगे ये वाले रूट वैल्यू को, टिबियल पार्ट ऑफ सियाटिक नर्व। तो यहाँ पर देखेंगे इसका रूट वैल्यू क्या है, इसका देखेंगे L4, L5, S1, S2, S3। तो L4, L5, S1, S2, S3, तो इसको हम लोग को ड्रा करना है। तो यहाँ देखेंगे किस तरह से ब्रांचेज आनी है। तो कहीं L4, अभी हमने देखा था कि जो हम लोग वेंट्रल ब्रांचेज बनाएंगे उसको हम लोग रेड कलर से यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से जो टिबियल पार्ट ऑफ कॉमन सियाटिक नर्व है उसको हम लोग ड्रा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो L4 की ब्रांच हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एंटीरियर है तो इसको कंटिन्यू बनाएंगे हम लोग, एंटीरियर है तो इसको हम लोग कंटिन्यू बनाएंगे क्योंकि हम लोग को ये एंटीरियर दिखाना है। तो यहाँ देख रहे होंगे ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे पहला जो टिबियल पार्ट ऑफ सियाटिक नर्व की जो L4 ब्रांच आ गई, अब देखेंगे दूसरे नंबर पे एक तरह से L5 से ब्रांच ले आनी है। तो इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे,
तो देख रहे होंगे हम लोग की एल फाइव से ब्रांच भी जा रही है, एल फाइव से ब्रांच जा रही है सियाटिक नर्व की टीबियल पार्ट की। तो देखेंगे एल फोर से हो गया, एल फाइव से आ गया, हमें एस वन से ले आनी है। तो एस वन से ले आएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से ले आएंगे, एस वन की ब्रांच देख रहे हैं आ रही है, और एस वन के बाद एस टू की ब्रांच आएगी। ये एस टू की ब्रांच आ गई और लास्ट में है एस थ्री की ब्रांच। तो इस तरह से हम लोग को देख रहे हैं यहां पर टोटल, ये जो ये वाला रेड वाला पार्ट बना है इसको बोलेंगे हम लोग कि टीबियल पार्ट ऑफ सियाटिक नर्व। ये क्या है आपका? टीबियल पार्ट ऑफ सियाटिक नर्व। तो ये हुआ टीबियल पार्ट ऑफ सियाटिक नर्व। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, इन दोनों को अगर कॉमन कर दिया जाए तो ये क्या जाएगा? सियाटिक नर्व हो जाएगा। ये हो जाएगा सियाटिक नर्व। तो सियाटिक नर्व का फॉर्मेशन हो चुका है। आइए अब देखते हैं कि इसके बाद हम लोग जो भी अब डॉर्सल डिवीजन की ब्रांचेज है उसको ड्रॉ कर लेते हैं, कि क्योंकि डॉर्सल डिवीजन की ब्रांच तो हम लोगों ने एक ड्रॉ कर लिया, कॉमन पिरोनियल पार्ट ऑफ सियाटिक नर्व को ड्रॉ किया, बचा क्या है? सुपीरियर ग्लूटियल नर्व और इंफीरियर ग्लूटियल नर्व। सुपीरियर ग्लूटियल नर्व की जो रूट वैल्यू है देखेंगे L4 L5 S1, तो इसको हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा हम लोग का रैंडम हो गया था। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे इन सुपीरियर ग्लूटियल नर्व के जो रूट ब्रांचेज है, जो रूट वैल्यू है L4 L5 S1। तो देखेंगे L4 L5 S1 हम लोग का डॉर्सल डिवीजन है, तो ये डॉर्सल डिवीजन ब्लू वाला है उसी से ब्रांचेज आएंगी। तो यहाँ देखेंगे L4 L5 S1 या उसके बाद देखेंगे ये क्या हो गया, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। तो इसको नाम दे देंगे सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, हो गया। उसके बाद देखेंगे इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व को हम लोग ड्रा करेंगे, जिसके रूट वैल्यू है L5 S1 S2। L4 से नहीं है, अब L5 से है, तो यहाँ से ड्रा करेंगे हम लोग L5 S1। इसको थोड़ा सा हम लोग इधर से ड्रा करते हैं क्योंकि बाद में कम्प्लेक्स हो जाएगा, इसको हम लोग यहाँ से ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे L5 से शुरू करेंगे, L5 S1 और यहाँ से S2, L5 S1 S2। तो ये हो जाएगा इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व, ये हो गया। इसका मतलब जो डॉर्सल डिवीजन की ब्रांचेज है कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग देखेंगे कि जो वेंट्रल डिवीजन की ब्रांचेज है, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो वेंट्रल रेड वाला वेंट्रल है इसी से निकल रहा है, तो इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो इसमें देखेंगे तो हम लोग का ये पूरा कंप्लीट हो गया, ये पूरा कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं कि अब देखेंगे नर्व टू क्वाड्रेटस फिमोरिस, इसकी रूट वैल्यू है, नर्व टू क्वाड्रेटस फिमोरिस की रूट वैल्यू क्या है? L4 L5 S1। तो इसकी रूट वैल्यू है L4 L5 S1, नर्व टू क्वाड्रेटस फिमोरिस। तो यहाँ देखेंगे कि ये आ गया, तो यहाँ देखेंगे ये वाला पार्ट है L4 से हो गया, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि यहाँ L5 से रूट आ रहा है, और देखेंगे L5 से आ गया, और देखेंगे ये L5 था और ये S1 हो गया, तो S1 से भी आ गया। तो ये हो जाएगा एक तरह से क्वाड्रेटस फिमोरिस, नर्व टू क्वाड्रेटस फिमोरिस। तो क्वाड्रेटस फिमोरिस की जो नर्व होगी ये हो गई। उसके बाद देखेंगे इसको हम लोग थोड़ा सा मोटा कर लेंगे, क्लियर कट कर लेंगे, तो यहाँ से मिल गई। उसके बाद देखेंगे दूसरी है नर्व टू ऑब्टूरेटर इंटरनस, इसको थोड़ा सा कलर डिफरेंट कर लेते हैं, हालांकि इंटीरियर ब्रांच है तो नर्व टू इसको कलर डिफरेंट करेंगे तो क्लियर होगा, हालांकि वेंट्रल डिवीजन की ही ब्रांच है, थोड़ा सा
कलर अलग करने पर हो जाता है, ये हो गए। देखेंगे L4, L5, S1 से हो जाएगा क्वाड्रेटस फीमोरिस की नर्व हो गई। दूसरे नंबर पे है नर्व 2 ऑब्टूरेटर इंटरनस की है, उसकी जो रूट वैल्यू है L5, S1, S2। तो L5, S1, S2, तो इसकी जो देखेंगे यहाँ से L5 से एक ब्रांच आ रही है, फिर S1 से एक ब्रांच आएगी और S2 से एक ब्रांच आई, तो ये हो गया नर्व 2 ऑब्टूरेटर इंटरनस। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑब्टूरेटर इंटरनस, नर्व 2 ऑब्टूरेटस इंटरनस, नर्व 2 ऑब्टूरेटर इंटरनस हो गया, यहाँ देख रहे होंगे। उसके बाद देखेंगे तीसरे नंबर पे पुडेंडल नर्व है, तो उसकी रूट वैल्यू क्या है S2 S3 S4। जो पुडेंडल नर्व की रूट वैल्यू है S2 S3 S4, देखेंगे S2 यहाँ शुरू होता है, S2 S3 S4, तो S2 मतलब इसके वेंट्रल डिवीजन की ब्रांच है, तो हम लोग रेड वाले से निकालेंगे S2 S3 और यहाँ से S4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पुडेंडल नर्व, तो ये हो जाएगा पुडेंडल नर्व हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखेंगे ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा देखेंगे, चौथा देखेंगे S3 S4। S3 S4 मतलब परफोरेटिंग क्यूटेनियस नर्व S3 S4, तो S3 S4 से एक ब्रांच आएगा, तो एक ब्रांच देखेंगे S3 से आया, एक ब्रांच S4 से आया, तो यह जाएगा परफोरेटिंग क्यूटेनियस नर्व, तो ये देखेंगे परफोरेटिंग क्यूटेनियस नर्व, ये हो गया। लास्ट बचा हुआ है आपका पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, जिसकी रूट वैल्यू है S1 S2। परफोरेटिंग क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई जिसकी रूट वैल्यू है S1 S2, तो S1 S2 देखेंगे यहाँ पर S1 है, यहाँ पर S2 है, तो इसके इस वाले पार्ट से S1 S2, इसका नाम हो जाएगा परफोरेटिंग क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, तो इसका नाम देंगे परफोरेटिंग क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। तो ये एक तरह से हम लोग का एक तरह से सैक्रल प्लेक्सस कंप्लीट होता है, और इसको जब इस तरह से ड्रॉ करेंगे या थोड़ा सा और डायग्राम बड़ा करके इसको स्पेस देके करेंगे तो एक एक नर्व क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले हम लोग सियाटिक नर्व को ड्रॉ करेंगे। सियाटिक नर्व के दो रूट होते हैं, एक डॉर्सल रूट होता है जिसको हम लोगों ने ब्लू कलर से दिखाया है, और एक वेंट्रल रूट होता है जिसको हम लोगों ने रेड कलर से दिखाया। तो सबसे पहले हम लोगों ने डॉर्सल रूट को दिखाया जिसकी रूट वैल्यू थी L4, L5, S1, S2, और जो डॉर्सल वेंट्रल रूट था, वेंट्रल जो पार्ट था टीबियल पार्ट था, सियाटिक नर्व था टीबियल पार्ट था, उसकी रूट वैल्यू हमने देखा था कि L4, L5, S1, S2, S3 थी। इन दोनों को ड्रा करने के बाद जब हम लोगों ने डॉर्सल देखा, डॉर्सल से दो बची एक्स्ट्रा थी, तो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व थी, इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व थी, ये क्लियर हो गया। बाकी वेंट्रल की टोटल 5 ब्रांचेज हम लोगों ने देखा कि नर्व 2 क्वाड्रेटस फीमोरिस, नर्व 2 ऑब्टूरेटर इंटरनस, नर्व 2 पुडेंडल नर्व हो जाएगा, और पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व पोस्टीरियर परफोरेटिंग क्यूटेनियस नर्व हो जाएगा, और पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। इस तरह से हम लोगों ने 5 नर्व वेंट्रल में और बनाए, तो टोटल हम लोग के नर्व की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 3 9 हो जाएगा, अर्थात 2 हम लोगों ने पहले बनाया, फिर डॉर्सल की 2 बनाया, 2 2 4, और वेंट्रल की फिर 5 बनाया, 4 5 9। तो इस तरह से हम लोग का ये पूरा सैक्रल नर्व क्लियर हो जाता है। धन्यवाद।